Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am a BA honors. So, I have some question about kafir. Sir, some Muslim men are said, non-Muslim men, that they are kafirs. So, मैं इसके बारे में आविदानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ कुफरू से आया है ये सब तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता उसको काफिर कहा जाता है आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर अगर इस्लाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो ये सर मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया क्योंकि उनने मेरी कसर सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुठलाना कुफ्र मतलब ना मानना इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है जो नॉन मुस्लिम है तो अब नॉन मुस्लिम है क्या क्या है नॉन मुस्लिम है ना तो नॉन मुस्लिम तो काफिर कहेंगे ना और जो अपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले आपको क्या गाली लग रही है काफिर गाली नहीं ना काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते इस्लाम कबूल करो कोई काफिर नहीं कहेगा ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा तो हमको क्यों काफिर बोला जाए आप मानते खुदा एक है हाँ जी आप मानते कि बुतप्रस्ती गलत है सर बुतप्रस्ती मतलब ये समझ नहीं है मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है माँ शेरावाली का जब पूजा हो तो आपको लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत वेद में लिखा है गलत तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है मतलब आप गैर मुस्लिम है उसमें बुरा लगने की बात क्या है आप समझ रहे ना नहीं सर आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हकीकत को नहीं झुठला रहा हूँ झुठला रहे तो है आपने बोले मूर्ति पूजा कर दे मतलब झुठला दिए अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता तब मैं काफिर नहीं हूँ अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ नहीं सर मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ एकेश्वर बाद में हम मानते हैं एकेश्वर बाद को लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है अब शेरावाली की पूजा हो रही है माता दुर्गा की पूजा हो रही है वो तो सर झुठला नहीं सकते ना हाँ तो ये झुठलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे अगर नहीं झुठलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम अरबी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में नॉन मुस्लिम अच्छा सर वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होकर मक्का हज करने जा सकते मेरा पहला क्वेश्चन आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत अभी सर मान लिए आपके पास आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा मान लिए मान लिया अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ मान लिए तो अच्छी बात है क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि हर शहर के कुछ शरायत होते जैसा कल मैंने कहा था हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते सिविलियन नॉट अलाउड आप सुन चुकी मेरा जवाब सिविलियन नॉट अलाउड मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ हिंदुस्तानी नागरिक है सही है कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए वो लोग का अलाउड है बाकी लोग का अलाउड नहीं है पहला जवाब दूसरा जवाब हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है वीजा वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार
1986 में इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर, अगर ड्रग आपके पास मिला कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ, आप समझे ना। इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है, अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते आर यू अ टेररिस्ट, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा, ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई महबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का हम दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदाई के? हाँ जी। आपको यकीन है कि बुतपरस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है, आप आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते? हम अकेले बन के सर, वो तो वो भी वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं अल्लाह ताला उनको पूछेगा, पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल करना चाहते हैं। खुदा एक है, हाँ मानते बुद्ध प्रोसी गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती करा ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। मैं अरबी में कहूँ हम दोहराएंगे? व्हाई नॉट। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु व अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम असल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं सर। और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल होता तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पेन है तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह लोग जुरत और हिम्मत से काम ले रहे हैं, हक को जानने के लिए, हक को मानने के लिए।